नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई। दरअसल हाल ही में सोनू निगम के एक वीडियो ने सोशल मीडिया में हंगामा मचा दिया था। सोनू ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर कुछ गंभीर इल्जाम लगाते हुए उन्हें उनसे पंगा ना लेने की धमकी तक दे डाली थी। वहीं अब भूषण कुमार की पत्नी और फिल्म मेकर दिव्या खोसला कुमार ने सोनू को तगड़ा जवाब देते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया है। दिव्या ने अपना जवाब इंस्टाग्राम पर इंस्टा स्टोरी के जरिए सोनू को लतार लगाई है। उन्होंने लिखा है, आज बस यही जरूरी है कि अच्छा कैंपेन कौन चला सकता है। मैं देख रही हूँ कि लोग जबरदस्त कैंपेन से अपने झूठ को भी कामयाबी से बेच रहे हैं। सोनू निगम जैसे लोग जानते हैं कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है। लोगों के दिमाग से कैसे खेला जा सकता है, इस दुनिया को भगवान ही बचाए। दिव्या ने आगे लिखा है, सोनू निगम जी, टी सीरीज ने आपको इंडस्ट्री में ब्रेक दिया, आपको इतना आगे बढ़ाया। अगर आपको इतनी ही खुंदक थी भूषण से तो पहले क्यों नहीं बोले? आज पब्लिसिटी के लिए क्यों कर रहे हैं? आपके पिताजी के खुद मैंने इतने वीडियोस डायरेक्ट किए जिसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रहते थे, लेकिन कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जो सोनू निगम ने वीडियो शेयर की थी उसमें उन्होंने भूषण कुमार को धमकाया था और कहा था कि उनसे पंगा लिया तो वो मरीना कुंवर का वीडियो अपने YouTube पर डाल देंगे। मरीना कुंवर वही हैं जिन्होंने साल 2018 में भूषण कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। सोनू ने इससे पहले एक और वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर म्यूजिक इंडस्ट्री में माफिया गिरी का मुद्दा उठाया था। सोनू ने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो म्यूजिक इंडस्ट्री से भी सुसाइड की खबरें आने लगेंगी।